तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन में। तो लास्ट वीडियो ने सेकंड लास्ट बोल सकते, तो जो वीडियो था उसमें हम शायद 20 तारीख तक प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन किए थे। इस बार आगे करते हैं। तो 21 को ली छुट्टी था और 22 से फिर शिफ्ट चालू था, तो 22 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन 22 के साइंस के, केवल प्रीवियस ईयर 2018। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर प्रयुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त किया जाता है, तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व संबंधित होता है, किस ब्लॉक से संबंधित होता है? तो डी ब्लॉक से संबंधित होता है। ठीक है, फिर है ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है, दूरी मापने में किया जाता है ऑडोमीटर का उपयोग। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3। ठीक है, घर्षण बल का क्या कार्य, घर्षण बल कार्य करते हैं, तो घर्षण बल कार्य करते हैं दिशा के विपरीत, बल के दिशा के विपरीत। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है। किसमें मेकुलम द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा में मुकुलम द्वारा प्रजनन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? आधुनिक छठे आवर्त में 32। ठीक है, मेंडलिक के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर को कहा जाता है समूह, और क्षैतिज को बोलते हैं उसको आवर्त। ठीक है, समूह कितने होते हैं, आवर्त कितने, तो आवर्त 7, समूह 18 होते हैं। एक संपीड़न स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिक ऊर्जा होती है। ठीक है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो आभासी और छोटी होगी। ठीक है, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन पे, आवर्त मतलब परमाणु द्रव्यमान या भार पे आवर्त में सजाया गया था, अरेंज किया था? मेंडलीव के आवर्त है, और जो नया आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसली द्वारा वो परमाणु संख्या पर बना था। ठीक है, जो करेक्ट है। अमीबा, अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? तो द्विखंडन द्वारा होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तन नहीं होता है, ठोस के पिघलने से उसका तापमान परिवर्तन नहीं होता है। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, तीन कक्ष हृदय होता है। ठीक है, लिटमस विलियम डैश से निष्कासित किया जाता है, तो लाइकन से, पहले भी बता चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो हाइड्रोजन है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, तो आयाम बढ़ने से उसकी ध्वनि बढ़ती है। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो पपीता एक उभयलिंगी पुष्प है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कौन नहीं करता है? दबाव। ठीक है, एक निकाय के संवर्ग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है, तो लागू उसमें जो बल होते हैं उसके समानुपाती होती है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंग के परिवर्तन के कारण, याद रखें, परिवर्तन के कारण ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो आवाज गूंजता है वो प्रतिध्वनि परिवर्तन के कारण। ठीक है, यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुनी हो जाए, अगर उसकी साइकिल की गति दुगनी हो जाए, मैंने हाफ एम बी स्क्वायर में वी अगर दुगना हो जाए तो कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा, तो 2 वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 वी हो जाएगा ना, सॉरी लाइन कट गया।